हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। तो मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पर ना दोपहर में कुकर ये रखा था ऐसे ही, तो मैं इसको साफ़ करूँगी सबसे पहले। और किचन में मैं नहीं आई थी और फ़िलहाल मैं अभी आई हूँ किचन में, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी और तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी। सुबह में बनी थी पूरियाँ, तो हल्का फुल्का कुछ दोपहर में खाने का मन था, तो इसलिए मूंग दाल की खिचड़ी बनाई थी। तो यहाँ पर मैं कुकर साफ करके अब बनाऊँगी लौकी, और लौकी मैंने कट कर ली थी यहाँ पर। और जब लौकी बनाते हैं तो सिंपल तरीके से बनाते हैं, और मेरा तरीका क्या है आज मैं आपको शेयर करूँगी। और वैसे ना ये जो लौकी होती है ये बिल्कुल भी स्पाइसी अच्छी नहीं लगती, यानी चटपटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं, तो सिंपल ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने कुकर अच्छे से साफ़ कर लिया था, उसके बाद में मैं यहाँ पर क्लीन करके अच्छे से और चीज़ें, उसके बाद अपनी ये बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 प्याज लिए हैं, इनको अच्छे से छील करके कट कर लूँगी। और ये होता है कि कोई लोग ये किस तरीके से बनाते हैं, कोई किस तरीके से बनाता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। लेकिन है ना, मैं यहाँ पर प्याज लंबी लंबी कट कर रही हूँ, और यहाँ पर ना मैं टमाटर भी इसमें ऐड करूँगी। तो मैं ना इसमें थोड़ा टमाटर ऐड करूँगी, क्योंकि है ना इसका जो टेस्ट होता है लौकी का, वो थोड़ा मीठा मीठा सा होना चाहिए, थोड़ा खट्टा मतलब नहीं होना चाहिए इसका टेस्ट, क्योंकि मीठी मीठी सी अच्छी लगती है लौकी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आधा टमाटर यूज़ कर रही हूँ, और मैंने गैस पर कुकर को रख दिया है। और आप इस तरीके से है ना ये लौकी बनाएंगे तो अच्छी बनती है, काफ़ी टेस्टी लगती है। और अब इस बार मैंने है ना आधा टमाटर लिया है, आप देख सकते हैं, और आप है ना इससे भी आधा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लौकी है ना थोड़ी मीठी मीठी सी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ना मैं अब है ना ऑयल चढ़ा दूँगी। तो थोड़ा ना कुकर में पानी था तो मैंने इसको सुखा दिया था अच्छे से, क्योंकि है ना तेल में पानी रह जाता है, तो आपका ना बिल्कुल तेल में पानी रहेगा तो बिल्कुल छींटे पड़ने आपकी छींटे पड़ जाते हैं गरम गरम ऑयल के ऊपर, तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम किचन में आते हैं तो हमें जल्दी कैसे करनी चाहिए, मतलब फटाफट काम कैसे करने होते हैं, तो मैं आज इसके ऊपर भी आपको बताऊंगी कि कुछ चीज़ें हैं ना हम है ना तरीके से करें तो हमारे ना ये जो लॉन्ग टाइम के काम होते हैं वो शॉर्ट तरीके से हम कर सकते हैं और जल्दी काम को कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि हम दूसरा काम भी अलग से किचन के अलावा कर सकें। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँगी कि लौकी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई थी मैंने प्याज डाल करके, उसके बाद में टमाटर अपना मसाले थोड़े बहुत ऐड किए थे, यानी मैंने कश्मीरी मिर्च और हल्दी ऐड की थी इसमें, और मिर्ची यहाँ पर कम खाते हैं तो मैंने यहाँ पर हरी डाली थी, हरी मिर्ची तीखी नहीं थी बिल्कुल भी। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको भून करके छोंक को इसमें सब्जी अपनी ऐड करके अच्छे से कर दी थी। तो यहाँ पर नमक हो रहा था ख़त्म, तो मैंने यहाँ पर नमक सबसे पहले डब्बे में दिताया था, उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिया है स्वाद अनुसार नमक, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये टाटा का नमक है, ज़्यादा तेज लगता है, तो मैंने यहाँ पर कम से कम 2 स्पून इसमें नमक ऐड किया था। तो उसके बाद मैंने कुकर बंद करके इसमें लगा दी थी सीटी। आपको बता दूँ, तो मैं किस टॉपिक पे आपसे बात कर रही थी, तो मैं टॉपिक ये था कि आप है ना शॉर्ट तरीके से कैसे काम कर सकते हैं। देखिए, ये होता है कि किचन में जब है ना आप कुछ काम कर रहे होते हैं तो आपके जो बर्तन होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, तो बर्तन ना आप अपने है ना हैंड टू हैंड क्लीन करते रहे, तो उससे ये होता है कि आपके बर्तन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रहेंगे और आपके बर्तन भी जल्दी क्लीन हो जाएंगे और काम है ना आधा हो जाएगा। तो मेरा है ना यही तरीका है, तो मैं बर्तन सबसे पहले साफ़ करती रहती हूँ, जितने भी मेरे बर्तन होते हैं सबसे पहले मैं इनको क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन है ना कुछ तरीके होते हैं ना कि हम है ना लॉन्ग तरीके से काम करते हैं और हमारा टाइम नहीं बच पाता, तो आज मैं इसी के ऊपर आपको बताऊंगी मैं किस तरीके से काम करती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर बर्तन क्लीन कर लिए थे, अब अच्छे से इसको धुल दूँगी।
तो यहाँ पर है ना ये बास्केट है जो मैं ना सब्जी कट करने के लिए यूज़ करती हूँ। और जब भी मैं ना कुछ कट करती हूँ, खासकर है ना वेजिटेबल वगैरह कट करती हूँ, तो मैं इसका बास्केट का यूज़ करती हूँ ताकि धुलने में मुझे आसानी होती है। और यहाँ पर देखिए मेरे सारे के सारे बर्तन हो गए थे साफ अच्छे से। तो बीच में यहाँ पर मैं आई थी छत पर और सब्जी मेरी बन रही थी। देखिए यहाँ पर तनिष्का कर रही है मस्ती अपने मौसा जी के साथ में, और इसको ना नहाना ही होता है और ये मस्ती काफ़ी कर रही थी। और यहाँ पर ना पौधों में पानी दे दिया था इन्होंने, और अब है ना इतने सारे काम करने थे नीचे जाके, अब उन कामों को लेके आपसे बातें होंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूँगी कि मुझे आटा लगाना था और यहाँ पर रखा है, मेरी सब्जी तो बन गई थी और साइड में रखा था घी। घी को हमने गरम किया था, तो सबसे पहले ना जो ये घी का जो नीचे वाला गुदगुदा सा रहता है, यानी नीचे वो रह जाता है, तो उसको ना आप है ना गरम कर लीजिए, क्योंकि बाकी का जो घी रह जाता है पानी को अगर गरम करेंगे तो उसमें वो पिघल के आ जाता है। उसके बाद में हमें ना उसको क्या करना होता है, उसको ना गरम करके फिर ठंडा करके हमें फ्रिज में रखना होता है। उससे आपका ये क्या होता है बेनिफिट, ये सो जो सारा का सारा घी होता है वो ऊपर आ जाता है, उस घी को हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा दूँगी आटा, और आटा अब मैं देखिए कितनी शॉर्ट तरीके से मैं ये काम करूँगी आपको बता दूँगी। तो यहाँ पर आटा मैं लगा लूँगी, आप देख सकते हैं। आटा मेरा लग गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं आटे को अच्छे से लगा लूँगी। और यहाँ पर मेरी सब्जी बन गई थी, तो सब्जी को सबसे पहले आप ध्यान रखिए, अगर आपको शॉर्ट तरीके से काम करना है और अगर आपके पास स्पेस कम है, मेरे यहाँ पर ना स्पेस कम है यानी जगह कम है, तो ये इसके लिए भी बेनिफिट है कि अगर जगह कम है तो आप है ना ये तरीका अपना सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी सब्जी बन गई है तो कुकर से आप निकाल करके छोटे बर्तन में आप इसको निकाल के रख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर है ना फ्राई पैन में ये सब्जी सारी की सारी रिता दी थी इसमें, और ये कुकर भी साफ कर दिया था। इससे ही होता है कि शॉर्ट तरीका हो गया है मेरा, एक काम करने का तरीका हो गया है कि ये बर्तन भी साफ हो गए हैं और ये कुकर भी मैंने इससे रिता लिया था और सब्जी से। तो देखिए यहाँ पर हो गए क्लीन, और एक काम के साथ साथ दो काम हो गए मेरे, सब्जी भी रिध चुकी थी फ्राई पैन में और मेरा आटा भी बन चुका था। और सबसे पहले मैं बता देती हूँ, बार बार ना मुझे है ना आटा निकालना पड़ता था नीचे, यानी मतलब रोटी के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती थी आटे की रोटी बनाने के लिए, तो बार बार ना नीचे मुझे निकालना पड़ता था। तो मैं यहाँ पर है ना ये लेके आई थी एक बॉक्स, तो इसमें मैंने है ना आटा रख लिया था, मुझे बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहले यही तरीका होता है कि आटा बना के आप है ना परात को भी अपनी खाली कर लीजिए, यानी मैंने ये छोटे से फ्राई पैन में रख लिया था आटा, और ये भी आटा रख लिया था दूसरा जो सूखा आटा था। तो अब देखिए मैंने रोटी बनाने स्टार्ट कर दूँगी। देखिए मेरा कुकर भी साफ़ हो गया है, मेरी परात भी साफ़ हो गई है जो जिसमें मैंने आटा लगाया था। अब देखिए स्पेस भी कितना, मतलब आप है ना यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर परात नहीं, मतलब ज़्यादा तरीका मैंने सोचा कि परात, जब मैं आटा लगाती थी परात में तो यहाँ पर स्पेस के कारण मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने ये ट्रिक सोची और मैंने सोचा कि ये आपसे भी शेयर करूँ कि जिसकी स्लेब होती है वो किचन की, तो वो है ना आपकी कम होती है, जगह कम होती है, तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो आप है ना छोटी छोटी ट्रिक अपना कर आप अपने काम को भी जल्दी कर सकते हैं, और बिना प्रॉब्लम के साथ में, आप बिना उसके साथ में मतलब समस्याओं के साथ में, बिना समस्याओं के साथ में आप अपना काम कर सकते हैं। तो मेरी फटाफट रोटी बन गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और मैं यहाँ पर रोटियाँ बना लूँगी। और देखिए घी ना गर्म हो चुका था, और घी गर्म होकर ठंडा हो जाएगा तब मैं इसका यूज़ कर लूँगी।
इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि मैंने दो बार ना पानी पी चुकी हूँ बीच में रोटी बनाते बनाते। और आप है ना, जब है ना गर्मी होती है तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि बॉडी को ज़रूरत होती है, और इसलिए मैं पानी काफ़ी ज़्यादा पीती हूँ। और गर्मी में सभी पीती होंगी, और इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है, इस बार तो गर्मी का रिकॉर्ड ही टूट गया है। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन गई हैं, और यहाँ पर ना दोपहर में ना रोटी नहीं खाई थी किसी ने अच्छे से, मतलब मूंग दाल की खिचड़ी बनाई थी, पापा जी ने तो खा ली थी, लेकिन इन्होंने रोटी नहीं खाई थी, जिस वजह से मैंने यहाँ पर रोटी बनाई है, वरना शाम के टाइम तो नहीं खाते इतनी। तो यहाँ पर बन गई है मेरी रोटी, आप देख सकते हैं। रोटी मेरी बन गई थी, और उसके बाद में जो घी गरम हुआ था तो मैंने इसको इसमें करके ना फ्रिज में रखना है, एक जो फ्राई पैन है छोटे वाला तो इसमें मुझे रख देना है, और मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अब देखिए मुझे इनका खाना लगाना है, और मैंने बनाई है लौकी, देखिए कितना अच्छी लौकी बनी है, और खाने में बड़ी टेस्टी लग रही थी। शाम में मैं खाना नहीं खाती हूँ, लेकिन लास्ट में मुझे भूख लगी थी क्योंकि फिर मैंने एक रोटी खाई ली थी, तो इनका मैं खाना लगा दूंगी प्लेट में और इनको दे के आऊँगी, और तनिष्का भी इनके साथ ही खाएगी तो उसका भी खाना मैं लेके जा रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मिर्ची का अचार भी ले जाऊँगी, ये काफ़ी टेस्टी लगता है मिर्ची का अचार, और ये गर्मियों में ज़्यादातर आता है, और गर्मियों में इसको खाना सभी पसंद करते होंगे जो जो इसके बारे में जानता होगा। और अब मैं रोटी लेके जा रही हूँ, और अब खाना हो गया है इनका, तो ये टीवी देख रहे हैं। तो आप है ना, ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और मैंने जो आपको तरीका बताया काम करने का, इसको भी कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो देखिए मैं यहाँ पर घी के ये बर्तन भी साफ़ कर दूँगी फटाफट, और कम से कम है ना आप है ना एक घंटे में सारा का सारा किचन का काम कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, और आपको ना ये बिल्कुल भी आपको लेजीनेस फील नहीं होगी कि आपको इतने ज़्यादा बर्तन साफ़ करने हैं, लेकिन तरीका आपका ये होना चाहिए। तो आपको ये ब्लॉग में क्या पसंद आया तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना, और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगा होगा तो आप है ना ये ज़रूर बताना मुझे कि कौन सी चीज़ मेरी, कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब उसके बाद मैं यहाँ पर दूध गर्म कर दूँगी, लास्ट में यही होगा कि दूध मैं यहाँ पर गर्म करूँगी। तो अब है ना चलने का टाइम हो गया है, व्लॉग का एंड करने का टाइम हो गया है, तो मिलूँगी फिर से न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, और टेक केयर, बाय, गुड नाइट।